इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप मोहतरमा की तरफ इशारा कर रहे हैं, वक्त आने दीजिए, यकीनन आपकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। मैं दोनों शायराज से ये कहना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से कि नहोगर सागर और मीना यही इनाम हो जाए, नहोगर सागर और मीना यही इनाम हो जाए, तेरे हाथों की एक कप चाय मेरे नाम हो जाए, और छलक कर चाय की बूंदों से मेरा हाथ जल जाए, तड़प कर होठ रख दो तो मुझे आराम हो जाए। तो मुलाकात होगी, आप सब्र कीजिए, इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ के बैठे रहिए। मैं जानता हूँ ये मऊ के लोग जो है यकीनन मजहबे वफा में तहज्जुद गुजार लोग हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, यकीनन वो घड़ी आएगी। हजरत, मैं अब आवाज दे रहा हूँ जनाबे घनश्याम सहाय साहब को कि दो मिनट के लिए वो अपनी बात रखें, सिर्फ वक्त महदूद है। जनाबे घनश्याम सहाय साहब, सिर्फ दो मिनट के लिए आपसे रूबरू हूं। जनपद मऊ, देखिए ये कमेटी की तरफ के से ये ऐलान मुझे करना है, हालांकि ये मजबूरी है, जेबा नहीं देता। जो लोग स्टेज पर, मैं समझता हूँ स्टेज पे जायद लोग हैं, वो लोग प्लीज बहुत मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग उतर जाएं और इस स्टेज पे थोड़ी सी जगह दे दे तो लोग आराम से बैठ सके। तो मैं मुंतजमीन से गुजारिश करूंगा कि ये जो लोग आपको देख रहे हैं कि जायद हो चुके हैं, इन्हें बड़ी मोहब्बतों से स्टेज से नीचे भेज दिया जाए। आइए जनाबे घनश्याम साहब की बातें समाप्त करते हैं। जनपद मऊ के स्थापना दिवस के पखवाड़ा समापन समारोह में शाही कटरा के मैदान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवेंद्र बहादुर सिंह के संयोजन में एवं शहर कांग्रेस जनों के संयोजन में हो रहे मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विष्णु कुशवाहा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शफीक डायमंड जी, सम्मानित मंच, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 34 वर्ष पहले 1988 को मऊ जनपद की स्थापना हुई थी। कल्पनाथ राय जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को लाकर मऊ का स्थापना कराया। मऊ की खुशहाली के लिए, मऊ के विकास के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के निधन के बाद से मऊ जनपद अनाथ हो गया। मऊ में बुनकरों के लिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी और कांग्रेस की सरकार थी तो 24 घंटा बिजली मिलती थी। आज वही वह यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा के चलते मऊ हर एक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से अपील करूंगा कि मऊ शहर, मऊ जनपद की खुशहाली के लिए, अपने विकास के लिए कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।